श्री रामचरित मानस शिव शास्त्र है, इसके आदि रचयिता भगवान शिव जी। प्रसंग प्रसंग कांडशः आप जब चलते चलेंगे तो गौर से पढ़िएगा ये विधि। पहले मुझे ये पता नहीं था, जब शुरुआत में आप पारायण करेंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं जैसा निवेदन करता हूं वैसा अभ्यास में लेंगे तो आपको लगेगा यह कथा शिव जी सुना रहे हैं, माँ भगवती सुन रही हैं। प्रसंग समझ में नहीं आता तो माँ रोक देती हैं, बाबा ये मुझे सुनाइए। कैसे? श्री राम जन्म के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव ने कारण बताते समय माँ से कहा, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो बखान कर कहूंगा, अब एक दो बखान कर और कुछ संक्षेप में जय विजय वाली कथा सुना गए, जो शाप मिला आपको सुनाया है, कई बार सुनाया, जालंधर की कथा कही, और जैसे बाबा ने कहा नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। माँ ने कहा बाबा गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। माँ ने रोका, बाबा यह प्रसंग मोहि कह भुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। और तब भगवान भूत भावन शिव जी ने यह नारद मोह जी का प्रसंग बड़े विस्तार से सुनाया। इसी प्रकार मनु शत्रुपा जी के प्रसंग में आया है, अपर हे तो सोनु शैल कुमारी, प्रसंग सुनाया, क्यों क्या अपराध भया, क्यों शाप दिया गया, दो रमापति का अपराध, नारद जी द्वारा शाप, अरे समझ में आने वाली कथा नहीं। दूसरा मां ने क्या प्रश्न किया, निर्गुण भगवान सगुण होने का क्या अर्थ, क्यों भया निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया, ये मुझे सुनाइए। तो भगवान शिव ने कहा, अपर हेतु और कारण, निर्गुण भगवान सगुण यों हुआ, कब, अगुण अरूप। आप भी संक्षिप्त में इसको समझ लिया जाए, अगुण अरूप अलख अज, अज माने अजन्मा, जोई केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान केवल भक्त के प्रेम में स्वरूप धारण करते हैं। एक बात बड़ी अलौकिक है, नीचे से ऊपर जाना जितना कठिन है, सीढ़ी चढ़ना,
उतना टॉप पर बैठे आदमी को, परमात्मा को, ऋषि मुनि को नीचे उतरना कठिन है। जो जहाज से चल रहा हो उसको बोलिए आप बस से यात्रा करेंगे, भाई देखो कोई और उपाय हो तो बताओ, न ले जाओ ठीक है, बस से न ले जाओ, क्यों? वो टॉप पे बैठा है। अब जो 2 घंटे में पूरे भारत से इस पार से उस पार जा रहा हो, बोलिए आपको यहां से चेन्नई बस से जाना है तो सुनते बीमार पड़ जाएगा, कहो जाएगा। अब भारत, अच्छा ट्रेन से जाना पड़े, भारतीय ट्रेन 12 घंटा लेट, राधे राधे, हाँ अभी बच्चे कहीं से आए 18 घंटा लेट, आप कई घंटे लेट आए? 4 घंटे। 4 तो कोई घटना नहीं, 4 तो कॉमन, 18 घंटे। हाँ वो जो बच्चे हमारे कहाँ गए, सोनू भैया कहाँ गए, बैजनाथ धाम, 18 घंटे लेट, क्यों? एकदम आपके हाइट की बात है, बहुत ऊपर बैठा व्यक्ति अथवा परमात्मा ऋषि मुनि, नीचे उतरना बड़ा कठिन है। लेकिन बाबा ने कहा, शिव बाबा, बाबा बोले तो शिव जी अथवा हनुमान जी अथवा तो गोस्वामी जी, प्रसंग स्मरण रखिएगा, बाबा ने क्या कहा, आप में से कोई पूरा सात्विक नहीं हो सकता है, पूरा तामसिक नहीं हो सकता है, पूरा राजसिक नहीं हो सकता है, निरंतर अभ्यास से, गीता जी कहती हैं, निरंतर अभ्यास से तामसिक राजसिक हो सकता है और राजसिक साधना करे तो सात्विक हो सकता है। कलयुग में यह अवस्था है 12-12 साल की, 12 साल पर स्वभाव बदलता है, कितना? 10-10%। निरंतर सत्संग करे, प्रवचन करे। पहले पहले मैं गुस्सेल बहुत था, ये लोग जानते, ये मेरे जो साथी है कहो, अब तो 10 पैसा रह गया, अभी है गया नहीं है, अभी है, कैसे है? ये प्रभु की कृपा है, थोड़ा है। किस तरह का? किसी को काम बताया, भैया क्या वो, मैं गया वहां बड़ी भीड़ थी, तो गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। और नहीं आता है तो शव हैं आप। आपको कोई काम कहा गया, आप माला जपिए, आप और आप सो गए, गुस्सा नहीं आएगा? कल एकादशी है और आपने समोसा भटूरा खा लिया, गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। हमारी प्रतिकूल स्थिति में भी हम सहज रहें तो अक्रोध, लेकिन हमने कोई गलती की और चाहते हैं भगवान भी क्रोध, असंभव है, वो आएगा ही आएगा। शिव जी को भी आया जब काकुसुंडू जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, आना ही चाहिए, लेकिन यह नहीं आएगा। अक्रोध स्थिति में हम चले जाएंगे, कब? जब भगवान ही कृपा करेंगे। सुग्रीव जी ने कहा, जिनको 6 विकार नहीं आए प्रभु, वो तो केवल आप ही हैं और कोई नहीं। हाँ, क्रोध आवे, लोभ आवे, मद आवे, टिकना नहीं चाहिए, ये परिस्थिति जन्य होकर बह जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। भक्त का क्रोध रुकता नहीं है। लोमस जी ने काकुसुंडी जी को शाप दे दिया, शीलता देखकर बुलाया और आशीर्वाद दे दिया, ल अभी तो शाप दे दिया। 60 स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदि हो पक्षी चंडाला, लेकिन शीलता देखकर बुलाए, इधर आओ, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति बढ़े, हम तुमको आशीर्वाद देते, जहां भी रहो 6 विकार का प्रभाव न रहे, तुम्हारे हृदय में भगवान के सारे चरित्र अवतरित हो जाए। अभी तो बड़े क्रोध में थे, अभी शांत हो गए, क्यों? शीलता देखकर हमारे हृदय में भगवान का भाव, भगवान के प्रति प्रेम होगा तो भगवान हमारे अंदर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्यों? बाबा ने कहा, भगत सगुण सो, भगवान केवल प्रेम के वशीभूत हैं। प्रसंग देखिए, केवट, आगे बोलिए प्रेम, बोलने की आदत डालिए, चुप नहीं, केवट प्रेम एक प्रसंग है, भरत प्रेम प्रसंग है, शबरी प्रेम एक प्रसंग है, सुग्रीव राम मैत्री, विभीषण शरणागति, ये जो प्रसंग हैं इनमें प्रेम मध्य में है, अर्थात
कॉमन है, सामान्य है, सहज है। हमारे जीवन में भगवान में प्रेम बाद में हो, पहले हम जो अगल बगल बैठे जीव तत्व हैं इनमें प्रेम का अभ्यास करें। घर में प्रेम नहीं, पड़ोसी से प्रेम नहीं, पुत्र से प्रेम नहीं, पुत्र वधू से प्रेम नहीं, भाई से प्रेम नहीं, बच्चों से प्रेम नहीं, ग्राहक दुकानदार हैं ग्राहक से प्रेम नहीं, दुकानदार बैठे ग्राहक आया भैया ये कई रुपया, 7 रुपया, ये कई रुपया, 70 रुपया, 3 बार पूछा लेना है लेने तो भागो, ले भगवान है ग्राहक, भगवान है हम भक्त हैं तो हमारी जिह्वा से अमृत टपकना चाहिए साहब, सर्वकाल प्रीति रहनी चाहिए, जो मिले जिह्वा बंद रहे और आंख बोले ये प्रेम है।